कौन जानता था कि एक छोटे से कस्बे में रहने वाला मानुल्ला, जिसे बचपन ही से मिमिक्री करने का शौक था, वो एक दिन एक लेजेंड अदाकार बनकर उभरेगा। किंग ऑफ कॉमेडी अमानुल्ला 1950 में लाहौर के एक छोटे से कस्बे में पैदा हुए। अमानुल्ला ने अपना बचपन अपने इलाके में खाने पीने की अशिया बेचते हुए गुजारा था, जहाँ उस वक्त वो सिर्फ 14 रुपये कमाता था। अमानुल्ला ने अपनी पहली शादी 1973 में की और पहली बीवी से उनके 6 बच्चे पैदा हुए और बाद में दूसरी शादी कर ली, उस बीवी से उनके 4 बच्चे पैदा हुए और फिर उसने तीसरी शादी की, उससे भी 4 बच्चे पैदा हुए। अमानुल्ला ने अपने कैरियर का आगाज एक स्टेज कॉमेडियन से किया, जहां उन्हें छोटी उम्र में ही अपनी सलाहियतों को उजागर करने का मौका मिला। स्टेज की दुनिया में अमानुल्ला को तुफैल नियाजी ने मुतारफ करवाया। अमानुल्ला ने अपने कैरियर में 860 शोज करने का रिकॉर्ड बनाया और अपने कैरियर के दौरान उन्होंने जितने भी काम किए उनके लिए उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से भी नवाजा गया। अमानुल्ला खान खबरनाक और मजाकरात समेत मुख्तलिफ टेलीविजन शोज से मुंसलिक रहे हैं। किंग ऑफ कॉमेडियन अमानुल्ला खान 6 मार्च 2020 को लाहौर के हॉस्पिटल में जेर इलाज रहने के बाद इस दुनिया फानी से चल बसे। वो 2018 से बीमार थे और गुर्दों और फेफड़ों की बीमारी में मुबतला थे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए।